गुड इवनिंग देवी और सज्जनों, थेम स्पीक्स के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हरिंदर सिंह जोधा, MATV स्काई 711 के इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूँ। आज का जो ये कार्यक्रम है वो उन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में है जहाँ पर हम अलग अलग किस्सों, कहानियों, बातों और लोगों के जिंदगियों के एक्सपीरियंसेस को शेयर करने का काम करेंगे। हमारे पास पुराने जो एपिसोड्स थे उनमें बहुत सारे लोग आए जिन्होंने अपने ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा समाज के लिए, लोगों के लिए लगा दिया, बिना किसी आशा, बिना किसी अपेक्षा के लिए। वो समाज की सेवा आप दो तीन तरह से कर सकते हैं, तन से, मन से और धन से। हमने अलग अलग तरह के लोगों को देखा जो अपने जीवन का कुछ ना कुछ हिस्सा लोगों के लिए, सामूहिकता के लिए, कम्युनिटी के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं उसी श्रृंखला में अलग अलग बातें थी। पिछली श्रृंखला में हमने ये जानने की कोशिश की कि जो कोविड का जो नए स्ट्रेन्स आए हैं और वेव जो 2 आई है उसमें अलग अलग तरह के लोग कैसे अपना योगदान दे पा रहे हैं, और मैंने देखा कि उस डिस्कशन के बाद जिन लोगों ने योगदान दिया वो उन जमीन पर उतरा है, कई लोगों की जिंदगियों को बचाने का काम किया है। इसी श्रृंखला में जब एक और विषय आया, उभर कर आया कि इस पेंडेमिक ने कुछ चीज़ों को बड़ा शिद्दत से और बहुत ज़ोरदार तरीके से जिसको वापस इंसानियत के सामने रखा, उनमें से एक है वो है मृत्यु, जो शाश्वत सत्य है, जो सबसे बड़ा सच है। मृत्यु को उन्होंने सबके सामने रखा है और कि ये एक सबसे बड़ा सच है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। मैं उसी शाश्वत सत्य मृत्यु के बारे में और लोगों के ऊपर इस जीवन में, मृत्यु से पहले के इस जीवन में क्या क्या उसके ऊपर प्रभाव पड़ा और उन प्रभावों से कैसे निकल सकते हैं और कैसे उसको हम पॉजिटिवली ले सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। कई लोग हैं जो मृत्यु के इस पर्व में भी, जिसे कह सकते हैं कि एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस है, उसमें भी लोगों ने अपनी पॉजिटिविटी को जिंदा रखा है, बरकरार रखा है। लोग घरों में कैद हैं, विचारों की खिड़कियाँ हैं वो उन्होंने शायद बंद कर रखी हैं, पर जब वो सोशल मीडिया की खिड़की खोलते हैं, जब वो अपने समाचार पत्रों की खिड़की खोलते हैं या फिर जब वो अपने टीवी की खिड़की खोलते हैं तो लगता है उन खिड़कियों से सिर्फ मृत्यु की आवाज़ आती है। और इस मृत्यु के इस नाद में, मृत्यु के इस अट्ठहास में जो लोग अपने आप को स्ट्रांगली वापस समाज में अपने परिवार के लिए और अपने घर के लिए तत्पर रहते हैं, वो है शायद सच्ची इंसानियत का एक लक्षण। और उसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। और मैंने किसी से सुना कि मैं जिन परिस्थितियों में जिंदा हूं उन्हें समझना चाहता हूं वह उतनी ही नहीं है जितनी संसार और स्वर्ग की कल्पना से बनती है, क्योंकि व्यक्ति मरता है और अपनी मृत्यु में वह बिल्कुल अकेला, विवश और असांत्वनी होता है। तो आदमी ने जो कल्पनाएं कर रखी है, जो स्वर्ग और नरक के बीच की जो कल्पना कर रखी है, उनके बीच में कहीं पर मृत्यु है, जो वो एक अकेलेपन का एक एहसास है। और यदि देखा जाए तो वेस्टर्न वर्ल्ड में जहाँ हम आज रहते हैं, जो हमारी कर्मभूमि है, वहाँ पर तो लोनलीनेस एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसे सामाजिक रूप से स्वीकार किया गया है। लोनलीनेस सिर्फ व्यक्तियों के झुंड में होने की बात ही नहीं है या उसके कारण पैदा होने वाली चीज़ नहीं है। लोनलीनेस एक ऐसी चीज़ है जहाँ मैंने देखा है लोग भीड़ में भी अकेले होते हैं, भीड़ में भी तन्हा होते हैं। और जो अभी पैंडेमिक है, उस पैंडेमिक ने क्या उस तन्हाई को बढ़ाया है या घटाया है? कई लोगों से जब हम चर्चा करते हैं तो ऐसा लगता है कि जो उन्होंने पिछला 1 साल या 2 साल अपने परिवार के साथ इतना बिताया है, उन्होंने अपने संयुक्त परिवार के साथ, अपने दादा दादी के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ जो टाइम बिताया है, शायद वो बहुत बेहतरीन या ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन समय है। तो शायद उन्हें वो अकेलेपन का एहसास नहीं है। पर कई ऐसे हज़ारों लोग हैं जो अपने परिवार से या तो दूर हैं या फिर अकेले होते हुए भी या फिर परिवार के साथ होते हुए भी कहीं ना कहीं कई मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, और वो है तन्हाई। तन्हाई भी अनेकों तरह की होती हैं। एक तन्हाई है वो है रोमानियत से भरी, रोमांस से भरी और रूहानियत से भरी। एक तन्हाई वो है जो आदमी को कुछ करने की प्रेरणा देती है, और एक तन्हाई वो है जो आदमी को नीचे की ओर ले जाने की कोशिश करती है। इन सारे विषयों पर आज हम चर्चाएं करेंगे। लेकिन इन सारी तन्हाइयों में हम देखते हैं, कहते हैं कि एमिली डिकिंसन ने एक बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा। उन्होंने लिखा कि उम्मीद एक पंखों वाला पक्षी है। जो उम्मीद है, जो होप है, जो फेथ है, जो ट्रस्ट है, वो एक पंखों वाला पक्षी है जो आत्मा की डाल पर बैठती है और बिना शब्दों के धुन गुनगुनाती है और कभी रुकना नहीं जानती। तो उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जो एक ऐसी धुन गुनगुनाती है जो कभी रुकना नहीं जानती, लेकिन वो बैठी किस पर है? हमारी आत्मा की डाल पर।
क्या हम उस आत्मा की डाल को कभी खोज पाए हैं? ये जो आत्मा की डाल की जो खोज है और आत्मा की डाल की जो सीरीज है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। इन्हीं चर्चाओं के दौर में मैं कुछ अलग अलग बातें हैं जो आपके सामने रखना चाहूँगा। उसमें पहली चीज़ जो मुझे बहुत पॉजिटिव लगी वो ये कि इंडिया के एक बहुत बड़े स्टेट के कैपिटल से एक सबसे बड़े हॉस्पिटल के जो इंचार्ज हैं, उन्होंने ट्वीट किया कल कि ये एक ऐसी शाम है जिस शाम से गुजर कर जब मैं अपने घर जा रहा हूँ ड्यूटी से लौट कर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 18 बेड खाली है। ये जो 18 बेड खाली का जो ट्वीट था, ये बहुत ही संवेदनशील और सांत्वना भरा था। उसका एक बहुत बड़ा कारण है। कारण होने का कारण ये है कि अब तक हम ये सुनते आए कि वहाँ पर रिसोर्सेज की, हॉस्पिटल्स में बेड की और वेंटिलेटर्स की और इन सारी ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी है, पर जो कैपिटल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, यदि वो ये कहा कि हमारे पास 18 बेड खाली है, इसका मतलब हम शायद इस लड़ाई में एक ऐसी चीज़ की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर हमें लगता है कि अब हम पार पा लेंगे। ये एक आशा की किरण है, ये एक उम्मीद की किरण है। जो दूसरी चीज़ इस पेंडेमिक से जो मुझे नज़र आई वो ये है कि आदमी का जो सबसे बेहतरीन किरदार है या अंदर का जो सबसे बड़ा सच है, वो सामने आता है जब वो संघर्ष में होता है, जब वो चैलेंजेस में होता है। यदि आप पाओगे पिछली सारी चीज़ों को उठा जो अब तक आपने देखी है, उन सारी चीज़ों को देखकर, तो आप देखेंगे कि जब भी ऐसा चैलेंज आया ना, लोग खड़े हुए, उन्हें लगा कि हमें कुछ करना चाहिए। शायद इस पैंडेमिक में जो ही लोगों को ऐसा एहसास हुआ कि दुनिया के एक हिस्से में, एक बहुत बड़े हिस्से में जिसका नाम भारत है, वहाँ पर कई चीज़ों की और कई आधारभूत चीज़ों की कमी है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या बहुत बड़ी है। वहाँ के जितने भी लोग थे जो ग्लोबल डायस्पोरा है, इवन जो ग्लोबल डायस्पोरा नहीं है, विदेशों से जो लोग हैं जिनमें मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण व्यक्ति हैं, उन सब ने कुछ न कुछ अपनी तरफ से भारत में भेजा है। न सिर्फ भेजा है, बट शायद उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव नज़र आया सामने। उसमें जो दूसरी चीज़ जो मुझे सामने नज़र आई वो ये कि मैंने 2-3 गांवों में या कस्बों में भी यदि फ़ोन करके पूछा, तो वहाँ से भी ये खबर आई कि वहाँ हमें लोगों की मदद मिली है। और जो लोगों की जो मदद उन्हें मिली, उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो वहाँ पेशेंट्स हैं उनके पास अच्छी दवाएं और अच्छी मेडिसिन के अलावा अच्छे इक्विपमेंट्स अवेलेबल थे। मैंने कई जगह ये भी देखा कि इवन जैसे ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन जैसे बापी और जो बाकी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने एक बेहतरीन काम ये किया कि टेली मेडिसिन फ्री कंसल्टेशन उन्होंने शुरू किया। मैं चाहता था कि उसके ऊपर भी एक विशेष कार्यक्रम हो जिसके अंदर जो उन लोगों ने इतना बड़ा वॉलंटरी वर्क करके एक बहुत बड़ा काम किया, वो शायद दुनिया के सामने आए। पर ये अंदर से बेहद खुशी देने वाला कि जिसने भी बापियों से रिक्वेस्ट की कि मेरे कस्बे में या मेरे गांव में आप एक टेलीमेडिसिन का एक कोई कार्यक्रम करिए, तो वहाँ जितने भी पेशेंट्स थे, उनके जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने उनके डॉक्टर्स ने यहाँ के डॉक्टर्स से बात करके वो एक कांस्टेंट उनके साथ टच में रहे कि उन मरीजों की हालत कैसे ठीक की जा सकती है। ये भी एक शायद बहुत बड़ा स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप जो मुझे नज़र आया वो ये था कि इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसे कह सकते हैं चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फंड रेजर्स हैं, उन्होंने इतनी मात्रा में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और बाकी इक्विपमेंट्स इंडिया भेजे कि मुझे लगता है कि इंडिया में उन इक्विपमेंट्स की जबरदस्त तरीके से एक एंट्री हुई, जो लोगों ने सोचा नहीं था कि इतने कम समय में इतने सारे इक्विपमेंट्स को दुनिया भर से लोग भारत में भेज सकते हैं। पर यह भी भारत और भारतीय लोगों की जिजीविषा का प्रमाण है कि संकट के हमें समय में हम साथ खड़े हैं। मैं जो अमृता प्रीतम, जिन्हें मैं कई बार कोट करता हूँ, बचपन की मैं जिनकी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, उनकी मुझे एक जो कविता है जो मुझे बहुत फेमस, जो मुझे हमेशा याद आती है, मैं तैनू फेर मिलांगी, उस कविता में एक लाइन है जिसमें वो कहती हैं, ये जिस्म ख़त्म होता है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, ये जिस्म जब ख़त्म होता है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, पर चेतना के धागे कायनात के कण होते हैं। मैं उन कणों को चुनूंगी, मैं तुझे फिर मिलूंगी, मैं उन कणों को चुनूंगी और मैं तुझे फिर मिलूंगी। ये शायद बहुत बड़ा पॉजिटिव होने का एहसास है जो अमृता प्रीतम के इस पूरी मैं तेनू फिर मिलांगी कविता से हमें मिलता है। और कई सारे दर्शक जो
जिन्होंने इस कविता को पढ़ा है या जिन्होंने इस कविता को सुना है वो पंजाबी में भी हैं, वो हिंदी में भी है, वो अंग्रेज़ी में भी है, और आप जिस भी भाषा में सुनेंगे आप उसको अपने रूह के करीब पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके रूह से जो अलग अलग कायनात के जो कण हैं उनको चुनकर ये जो चेतना के जो नए धागे हैं इन सब में पिरो के शायद आत्मा के साथ बांध दिया है, और वो है उस कविता का नाम है मैं तेनु फिर मिलांगी। ये सारी चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस नकारात्मक समय में सकारात्मक चीज़ें जो आदमियों को, इंसानों को, समाजों को जिंदा रखती हैं वो सामने आनी चाहिए। और हमारी जो आज की जो चर्चा है वो इसी पर है, आज का जो विषय है वो इसी पर है कि हम पॉजिटिवली अपने समाज को वापस क्या देना चाह रहे हैं। मैं जो नेक्स्ट बात जो कहना चाहूँगा वो ये है कि कई लोगों में जिसमें हमने पहले टच किया वो था अकेलापन, लोनलीनेस, और उस लोनलीनेस से लड़ने के लिए लोगों में शायद लोगों में अंदर ऐसी हमने पिछली अपने जन्म में पिछले 10-20 सालों में हमने कोई ऐसी विशेष ट्रेनिंग हासिल नहीं की जिससे हम उससे लड़ सकें या जिस हम उस चीज़ से पार पा सकें या निजात पा सकें, हमने कोई ऐसी कोशिश आज तक की नहीं है। या फिर हमें कहीं किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में या किसी परिवार में ये सिखाया नहीं गया कि इन चीज़ों, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ज़िंदगी में कहीं ना कहीं झेलनी पड़ेगी और उससे हमें कैसे पार पाना है। पर इस पैंडमिक ने ये इस चीज़ कह सकते हैं कि इस एमरजेंसी ट्रेनिंग पर सभी को बल दिया है, वो ये है कि आप अपना आपका जो मानसिक संतुलन है और आपका जो आपके जो दिमाग की जो अलग अलग गतिविधियां हैं आप उनको कैसे कंट्रोल करें। उसमें कई लोग हैं जिसमें अलग अलग तरीके जो उन्होंने बतलाए हैं, जिन आज वेस्टर्न वर्ल्ड जिनको अलग अलग नामों से जानता है वो कह सकता है कि माइंडफुलनेस कह सकता है, यदि हम भारत में जाएंगे तो उसे हम कह सकते हैं मेडिटेशन है, उसके हज़ारों अपने अपने अलग अलग तरीके हैं, उनको उन मेडिटेशन को या माइंडफुलनेस के अलग अलग टेक्निक्स हैं, और जिस भी व्यक्ति से हम उसके बारे में चर्चा करेंगे वो अपनी एक नई तकनीक, अपनी नई फिलॉसफी के साथ देना चाहेगा। और ये शायद खूबसूरती है भारतीय दर्शन की और भारतीय समाज की कि उन्होंने हर आदमी को अपना रास्ता खोजने की आज़ादी दी, हर आदमी को ये एहसास दिलाया कि पहुंचना ए से बी तक है, अब ये आप पर निर्भर है कि आप अपना कौन सा खुद का रास्ता खोजते हैं। कोई ऐसा फिक्स रास्ता नहीं है जिस सिर्फ आपको वही अंधभक्त होकर उसी एक रास्ते को फॉलो करना है, आप कोई भी रास्ता खोज सकते हैं। ठीक वही चीज़ मैं कह सकता हूँ कि आज इस समाज में मेडिटेशन के ऊपर या माइंडफुलनेस के ऊपर है। रिसेंटली मुझे किसी ने बहुत अच्छी किताब है वो सजेस्ट की और मैं उस किताब के बारे में पढ़ रहा था, वो था पावर ऑफ नाउ। शायद कई लोगों ने, कई दर्शकों ने पावर ऑफ नाउ पढ़ रखी होंगी। विशेषकर क्या है कि आज का जो दौर है पिछले 10-20 सालों में मोटिवेशनल स्पीकर्स की और मोटिवेशनल राइटर्स की और ऑथर्स की दुनिया भर में बाढ़ आई हुई है, और जो आपकी पर्सनालिटी को चेंज करने का जो दावा करते हैं वैसी किताबें बहुत सारी मार्केट में आई हुई हैं। तो एक कई बार ऐसा लगता है कि उस सैचुरेशन के अंदर, उस भीड़ के अंदर जो अच्छे लेखक हैं या जो अच्छे राइटर्स हैं या जो अच्छी किताबें वो कहीं दब जाती है। हो सकता है कई बार वो राइट आदमियों तक पहुंच नहीं पाती क्योंकि हज़ारों किताबों में से एक किताब छांट पाना भी एक बहुत बड़ी कला है, और आज के इस एडवर्टीजमेंट के युग के अंदर जब हर चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि सही कौन सी किताब है, गलत कौन सी। तो पावर ऑफ प्रैक्टिसिंग पावर ऑफ नाउ एक बेहतरीन किताब है। मैं उस किताब के प्रचार की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें ऑडियो बुक है, मैं जब उसको सुन रहा था तो मुझे वापस वही भारतीय ज्ञान की शाश्वत गंगा सुनाई दी, दिखाई दी। उसका रीज़न था पावर ऑफ नाउ है, आप जिस क्षण में हैं, आप जिस वक्त में हैं, आप उसी क्षण और उसी वक्त में, उसी मोमेंट में आप जिए। हमें ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम दूसरे क्षणों में और दूसरे मोमेंट्स में जिए। उन्होंने बहुत बेहतरीन एग्जांपल दिए कि यदि हम रात को यदि बिस्तर पर लेटे हैं तो हमें तुरंत ख्याल आएगा तो अपनी नौकरी का, जब नौकरी का ख्याल आएगा तो हमें किसी छोटी गलती का एहसास होगा तो हमें ये एहसास होगा कहीं नौकरी ना चली जाए। यदि नौकरी चली गई तो उसके बाद जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं हम उन सारी चीज़ों के बारे में ख्याल करते हैं। ये एक विचारों की एक श्रृंखला, हम एक ऐसी विचारों की श्रृंखला खड़ी कर लेते हैं जो अंततः हमारे लिए घातक सिद्ध होती है। असली में उस श्रृंखला का, उस विचार मननशीलता का कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई रिलीवेंस नहीं है, वो हमारी ज़िंदगी में इतनी महत्वपूर्ण और इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है।
लेकिन वो 1 घंटे का या आधा घंटे का जो चिंतन है या जो मनन है, या मैं उसे चिंतन नहीं कहूँगा, मैं उसे चिंता कहूँगा, एंग्जाइटी कहूँगा, इस तरह के विचार हमारे मन में रोज आते हैं। हम उस प्रेजेंट मोमेंट में ना रहकर हम उस मोमेंट में रहने की कोशिश करते हैं जिसे मैं कह सकता हूँ आर्टिफिशियल मोमेंट है, उस मोमेंट को जिसको जिसको हमने आज तक कभी देखा नहीं है। तो पावर ऑफ नाउ हमें ये सिखाती है कि हम उस प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहें। प्रेजेंट मोमेंट का मीन्स हम जिस क्षण में जहाँ पर हैं उसी क्षण उसी जगह का उसी चीज़ का हम आनंद लें। लेकिन ये बहुत कम संभव होता है, ये बहुत कम संभव होता है कि हम ड्राइव करते समय सिर्फ आसपास जो नज़ारे हैं या आसपास जो फूल पत्तियाँ खुशबू या आसपास की जो कारें हैं हम उनका आनंद लें। ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा बहुत कम होता है कि हम अपने गार्डन में बैठे हैं तो चिड़िया की चहचहाट का आनंद लें, या फिर जो घास है उस घास के स्ट्रक्चर का, उसके हरे रंग का आनंद लें, या फिर जो पेड़ों से गिरते हुए जो फूल हैं उनका आनंद लें। हम उस जगह बैठ कर भी हमारा जो दिमाग है वो दुनिया की ढेर सारी समस्याओं में उलझा है। हम बहुत छोटे लोग होते हुए भी हम उस गार्डन में बैठकर जहाँ हमें खुश रहना, खुद के साथ रहना है, वहाँ बैठकर भी हम ये कोशिश करते हैं, हम ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि अमेरिकन राष्ट्रपति ने क्या किया होगा, या फिर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि मिडिल ईस्ट में शांति कैसे स्थापित हो सकती है। वहाँ बैठकर हम सिर्फ इसी चीज़ पर विचार विमर्श करते हैं कि एक आंतरिक विचार विमर्श, हम इसी चीज़ पर आंतरिक विचार विमर्श करते हैं कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस कैसे बढ़ गई है। तो हम दुनिया की जो ढेर सारी समस्याएं हैं उन्हीं पर विचार करते हैं। यदि हमारे पास वो ना हो तो हम इस पर विचार करने लग जाते हैं कि पड़ोसी की कार कौन सी है, उसका रंग, उसकी कार का रंग मेरी कार के रंग से बेहतर क्यों है। ये हम उस प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते, हम फिजिकली कहीं और हैं लेकिन मानसिक रूप से कहीं और हैं। तो शायद मैं ऐसा मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि जिस मोमेंट में आप जहाँ पर हैं, जिस स्थिति में हैं, आप उसी का आनंद लें। यदि आप किसी को सुन रहे हैं या आप यदि किसी से बात कर रहे हैं, आप उसी व्यक्ति के साथ पूर्णता से जिए। यदि आप किसी चीज़, हम देखते हैं कि हम यदि खाना खा रहे हैं तो हम खाने के स्वाद के बारे में कम, सोशल मीडिया में कौन से मैसेजेस आ रहे हैं हमारा ध्यान उन पर ज़्यादा है, या टीवी में क्या आ रहा है हमारा ध्यान उस पर ज़्यादा है, खाने के बजाय दूसरी चर्चाओं पर ध्यान ज़्यादा है। इसीलिए कह सकते हैं कि हम हजारों चीज़ों में हजारों लोगों के साथ और हजारों बातों के साथ होते हुए भी हम किसी के साथ नहीं है। तो जो पल हमने वो खोया है, इसी तरह जिंदगी के सारे बेहतरीन पल हम खोते जाएंगे। तो जब जिंदगी एंड पर आएगी, जब जिंदगी मृत्यु के आसपास आएगी, तो हमें ऐसा लगेगा कि हमने वो जगजीत सिंह की जो गजल है, हमने क्या खोया हमने क्या पाया, जिंदगी तो धूप तुम गना साया। तो शायद हमें एहसास होगा कि हमने पूरी जिंदगी एक इस तरह से निकाल दी कि हम किसी क्षण में डूब कर रहे ही नहीं, उस क्षण के साथ समय स्पेंड करने की कोशिश ही नहीं की। यदि आज भी हम बैठकर यदि हम हमारे अच्छे पलों को यदि याद करें तो ये वो पल नहीं है जो कोई बड़ी जगह पर बिताए हो पल, ये वो पल हैं जो हमने बेहतरीन शिद्दत से पूर्णता से जिए हैं। और उसका कारण ये है कि आप जिस परिस्थिति में जहां पर जिस जगह थे उसी परिस्थिति के साथ आपने एंजॉय किया, तो वह आपके पल बेहतरीन थे। और शायद यही है पावर ऑफ नाउ। यदि आपको फुर्सत मिले, कोशिश हो आपकी, तो आप यदि हम कोशिश करें कि हम नेक्स्ट समय में जब भी हम कभी इन सारे विषयों पर चर्चा करें तो ये कोशिश रहेगी हम हमारे जो प्रेजेंट मोमेंट है उस पर हम टिके रहें। और जब हम हमारे प्रेजेंट मोमेंट पर टिके रहेंगे, तो रिसेंटली मुझे किसी ने कहा कि अपने सांसों पे ध्यान रखो, ये सांसें कब निकल जाएगी हमें पता ही नहीं। तो जो हमारी सांसें हैं आज, हमें उन्हीं पर ध्यान रखना है कि हम उस प्रेजेंट मोमेंट पर हैं। और इस मोमेंट से निकलने के अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है इक्वेनिमिटी। इसका मतलब है सारी परिस्थितियों में एक भाव से रहना, ना अधिक खुशी ना अधिक दुख। उन सारे भावों को यदि हम समदर्शी होकर यदि देखते रहेंगे, दृष्टा बनकर देखते रहेंगे, तो शायद
एक बहुत बड़ा न्याय कर पाएंगे हम अपनी खुद की भूमिका के साथ और दूसरों की भूमिका के साथ भी, और ये जिंदगी का बेहतरीन बेहतरीन पार्ट है। तीसरी चीज जो मुझे रिसेंटली इसी चर्चा में सुनने को मिली वो ये थी कि हमारे अंदर शायद दो चीजें हैं। एक तो है एक ऐसा मन जो हमेशा भागता रहता है, जिसके पास हजारों विचार हैं, वो थिंकर है, और एक वो है जो बैठकर देखता है कि वो मन कहां भाग रहा है। तो जहां जहां आपका मन भाग रहा है, यदि आपने उस थिंकर को देखने की कोशिश कर ली, तो उन्होंने कहा कि थिंकर के पास बहुत विचार हैं, आपने यदि उसको देखने की कोशिश कर ली कि ये कहां से आते हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं, वो एक टाइनी ड्रॉप है बहुत बड़े सागर के अंदर। आपको शायद उस सागर का एहसास नहीं है, क्योंकि हम उस एक ड्रॉपलेट या उस विचार के अंदर ही हम उन विचारों में इतना उलझे रहते हैं कि हम उस सागर की असीमितता को हम महसूस नहीं कर पाए। कई बार ऐसा लगता है मुझे कि जो चीज़ें शायद मैं बोल रहा हूँ, या जो अच्छे लोगों द्वारा बोली जा रही है, या फिर जो अच्छे स्पीकर्स शायद मुझसे हज़ारों गुना अच्छे तरीके से जो रखते हैं, वो चीज़ें आम जनमानस के लोगों तक इसलिए नहीं पहुंच पाती क्योंकि हम उन पर गंभीरता से विचार नहीं करते। हमें ऐसा लगता है कि ये विषय शायद हो सकता थोड़ा सा ड्राई विषय हो, पर जब हम लोग इस विषय पर थोड़ा और करने की चर्चा करने की कोशिश करेंगे, और कभी यदि फुर्सत मिले तो खुद पर, खुद के मन पर, अब हमारा जो मन कहीं भाग रहा है, जो थिंकर माइंड है, जब आप उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि आपको वो सारे विचार पनपेंगे जो मेरे मन में भी है। मैं कोई डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा हुआ हूँ, शायद मैं भी उसी जर्नी में, मैं भी उसी ट्रैवल में हूँ। तो इसी ट्रैवल में हम मिलेंगे हम आप सभी से ब्रेक के बाद, और फिर हम चर्चा करेंगे जो हमने विषय आज चूज़ किए उन्हीं सारे विषयों पर चर्चा करेंगे, और आज के हमारे विशेष मेहमान हमसे जुड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। जाइएगा नहीं और देखते रहिए 711 पर। Dark about your credit score. Credit Karma can help you understand yours and improve it for free. We can help find you a pre-approved credit card or personal loan tailored to you. Credit Karma will take you through step-by-step ways to boost your credit score and help keep you on top of your money so you can focus on what matters most to you. Join over 100 million members worldwide. Sign up for free at creditkarma.co.uk or download the app today. At Frontline, we know your pet helps you feel better, happier. You can do the same for them with Frontline Plus. It kills fleas and ticks on dogs and cats, plus stops flea eggs from hatching in your home. Frontline Plus, the UK's best-selling flea and tick protection for our best friends. At Glasses Direct, try the glasses you like at home for free. Get your glasses your way at glassesdirect.co.uk. At Middleton's, we present our adjustable bed range. Easily move your legs and your back all at the touch of a button. Our 5-point adjustable mechanism provides pressure relief and correct posture positioning. Our range of mattresses ensure your weight is distributed evenly, with a Coolmax cover to ensure your body heat is regulated. Available in single or double and a range of colors. Get the perfect night's sleep at Middleton's. You ping pong. You switch energy. Switch your energy at uswitch.com and you could save hundreds of pounds. If you're like me, you like things to be neat. I've even put my wardrobe in alphabetical order. V-necks come before Y-fronts. That's why I have a Barclaycard Platinum credit card. It's got all you need to stay money tidy. An app to help keep you in control. Timely alerts you can set up. And a 0% interest balance transfer. Get money tidy with Barclaycard. Check if you're eligible at barclaycard.co.uk. Join BAA, the UK's number one. Our patrols will usually get you back on the road in around 30 minutes of getting to you. Plus, with unlimited call-outs, we'll always be there when you need us. Get that feeling from £6 a month. Join today. Call 0800 91 95 95 or visit theaa.com. Мне я хотел гулять.
When Fatima arrived at hospital, she was too weak to even stand. But with urgent treatment and nutritious food, this is Fatima just days later. That's how fast a child can recover from severe malnutrition if they receive the food and medicine they need in time. That's what your £3 today could do. This is the land where Fatima's family now live since drought forced them to leave their home. But with your help, this is how families all over the world are transforming their land and their lives. With different types of seeds and new farming practices. This is what your £3 today could do. Please text Fatima 3 to 70002 to give £3 a month through your mobile. At Save the Children, we see how each donation adds up to something amazing. Children, happy and healthy, because their parents can grow the food they need to thrive. That is what someone's £3 a month helped achieve. Imagine what yours could do. Please text Fatima 3 to 70002 to give £3 a month through your mobile. देवी और सज्जनों, ब्रेक के बाद आपका हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे मानसिक मेडिटेशन और लोनलीनेस के उन सारे विषयों पर जिससे समाज आज जूझ रहा है, स्पेशली इस पैंडेमिक के बाद। किसी ने मुझे दो लाइनें भेजी कि रस्किन बॉन्ड ने कहा एक बार कि प्रकृति को शासन करने दो, स्वच्छंदता को गाने दो, जो दुनिया है उसे फ्री रहने दो। उन्होंने आगे दूसरे किसी लेखक ने लिखा, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन है अश्च शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल है चिर पुराण है चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारी आत्मा को, शुद्धता को, बुद्धता को जागृत करती है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। वी हैव a very esteemed and reputed guest, and I would like to welcome Paula ji. Namaste ji. Namaste. Thank Paula you. Ji. It's great to see you here. I would like to welcome to you on this program, and due to technical glitch, I know you were not able to join in the first half, but it's great to see you. Briefly, I will give you an introduction to the people. Paula was born in London. When she was young, I think around 6, she went to India with her parents. She studied there. She grew up there, and then she started working in Anand Bajar Patrika, one of the finest and reputed publishing house in Kolkata. Then she came back in UK in 2002. She was working in different places. She was working in Harrow Council. She was working with different publishing houses. And finally, she joined Air India. And we all know the mascot of Air India is Maharaja. So she joined Air India 15. I think she's working with Air India from last 15 years. She met a lot of corporate people in these days. In these years, she worked with them. But apart from this, she has kept her flame alive. And that's called yoga, meditation, and searching her own soul. And going through her, maybe trying to find her own destination and maybe going through her own journey. उन सारी यात्राओं के बारे में पौला ने कोशिश की कि वो अपनी खुद की जिंदगी की एक खोज जारी रखें जिसमें आदमी को खुद का सुकून मिले। सो दैट्स व्हाई शी स्टार्टेड आल्सो बॉडी माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स, एंड द बुक विच आई वाज रेफरिंग अर्लियर, प्रैक्टिसिंग पावर ऑफ नाउ, वाज सजेस्टेड बाय पौला हरसेल्फ। एंड she is also working with different organization, Northwick Park Hospital, nurses, doctors, and she also runs session with Panchamukhi organization with for kids and youngsters about meditation and yoga. So briefly, I can put in this way, by profession, she is from a corporate world, but by heart, she is from a spiritual world. So let's meet Paula today. And my first question to you, Paula, is during these challenging times, how does yoga, meditation, and spirituality help us?
Thank you. Thank you, Harinji, for this question. And can you hear me? I can hear you, Palaji. Yes, thank you. And thanks, NATV, firstly, for inviting me to this session. And this is a very important question at this point of time. When all of a sudden we are going through unprecedented times, times which we never thought we would be in. And actually the world came to a standstill in a way. And we never thought that this could happen to us when we thought everything is in our control. Let me go back to the days of Mahabharata. And I would like to refer to Gita, which happened in the middle of a battlefield. Battleground. Yes. Battlefield, yes. And time stopped for a little while when Krishna was talking to Arjuna, who was not very sure of going into the battle, on why, what is life about, how should we live it? That was his question. And Krishna gave him three basic ways of living. The knowledge, which is what the three yogas. One is the way of knowledge, one is the way of action, and one is the way of bhakti. Gyan yoga, bhakti yoga, and karma yoga. Absolutely. So, in karma yoga, he says that when we are living through our lives, we can't stop the wars. The wars we have to fight in our daily life. We are not Muni Rishis who are going to live in caves, but we have daily battles to fight. But we have to choose our battles, stick to them, and fight them with integrity, at the same time with love and gracefulness, and be so focused in a way that we are doing good for all, this life, and to nature, the world, the society. And that is a karma yogi who does not fight for himself, but a bigger cause. So when this pandemic struck, everything stopped. And actually, the thought came to me that we are like in a battlefield when everything stops. And we have to think and then carry on. What is our battle now? So these times are teaching us lessons. And when it started, we got so many WhatsApp messages saying, we have to take care of nature. We have to do this. We have to do that. And we all read it and thought, yes, it makes sense. Something needs to change. We forwarded the message and maybe we forgot. We believe in preaching rather than practicing. Yes. I think that's the biggest problem. And WhatsApp University enabled us to preach and teach a lot and practice less. And that is what we need to think. We need to do. We have to be karma yogis. And every moment, live in awareness, this awareness. And this is a great opportunity actually for us to do our best, to live in the best way possible, which we have lost. We have lost our direction. We have lost our goals. So this is a great opportunity actually for us, which I think. I agree. And for us during these times, what is the best way for us to live? That's what you're saying, that it's just karma yogi, and we should just focus on the present moment. That's what I was describing earlier in the first section of this program. What are the lessons that we learn from these times, and how do we follow them? See, yoga, if I talk about yoga, yoga is the union of mind and body. Yeah. And this happens through awareness. Our mind is a great tool. It is a great tool for us to think. But our mind can also play games and divert us. So we have to, with our awareness,
which comes from the connection of our breath, the body-mind connection, and the awareness comes through when we connect with our breath. So every day, every moment, actually, if we make it a habit, a discipline, to connect with our breath and see where our thoughts are we relaxed? Are we calm? Because only when we are calm, we can take the right decision. When we are in a rush, and pandemic stopped all the rush, it gave us another opportunity to go within and think the right ways to live. Now, from my own experience, when you said, yes, I have worked with in corporate organizations, I have visited many corporate companies and seen the world. But why I came into this journey is because all of a sudden I realized that I am just rushing around. And what is it for? And I can't stop myself. The thoughts and the way of life that I'm living, which is always rush, rush, rush. And it was, actually, I was always in anxiety. And I stopped and I thought. And this book, which Harinji, you spoke about, was actually a big eye-opener for me. And also, I experienced this, and I'll tell you a short story, a little bit of my own experience. I will be grateful if I will come to know about the story. Yeah. Please. Thank you. Yes. And it's my own story, so I thought I'll share this with you. I was in South India, and in the midst of a marketplace, there were shopping malls, there were big shopping areas, and this was in Bangalore, actually, and there were beautiful saris. I was looking through them, and beautiful spices, exotic spices, fruits, which I love. So I was looking around and all, you know, very much into all this. All of a sudden, I heard a bell ringing. I looked around, and in a corner of the street, I saw a temple. And in South India, they have temples which they decorate with flowers beautifully from the outside. And I was drawn to it. I walked towards it, and I went into the temple, a small alleyway, and I was standing in front of the deity. And all of a sudden, everything just stopped. I was in shunya, like in a void, everything just vanished. And I was there standing. And for a few seconds, nothing existed. And after some time, the bell rang again, and I came out from almost a trance. And I came out from the mandir thinking, how could this happen when I was in midst of everything, that I went and go into a mandir and I was totally in a different world, in a different zone altogether. And when I read this book, I realized all of a sudden I landed in the present moment, which is actually everything that we have. We don't have the past, which is gone. The future is, we don't know whether we'll be there or not, which we are always chasing. We are thinking, we are looking for security, and we are also fearful of what is going to happen, but we don't live this present moment, which is actually what we have. This present moment, you, me, and everybody who is there in this program, moment is what we have. If we live this moment in relaxation, in a calm manner, and see how beautiful this life is, our journey starts here. We are making our life. We are actually creating the life which we want. I will just ask one question here. I know people do talk a lot about the positive aspect of living in present moment. And there's a great deal of written and explained about what is the benefit of living in present moment.
But I think, you know, all those people who are laymen like me, they also want to know how do we live in that present moment, or what should we do, or is there any step-by-step guide, or maybe a 2-minute simple quick explanation for us that this is how you should try and practice, so one day we will be perfect. So can you please elaborate on that point? Very few simple ways of living, Ranji. And it just comes from practice. Some of it, if I tell you, you will, yes, I've heard of it. But knowing something and practicing something is very two different things. So I'll give you very few simple examples of living in the present moment. So the first tip, which I think has helped me, is before going to bed, half an hour, switch off your mobile phone. After getting up in the morning, for half an hour, no emails, no phone, just be with the self in silence. If possible, if not possible, even 10 minutes is fine, but connect with the self. And how do you connect? With breath, which is there every moment with you. You don't have to do anything. Just tune into your breath. And that is a beautiful way of connecting with the self. And if I tell others, meditate, that sounds, people think, oh, that is not possible. Don't think about meditation. But just sit in silence. Take that moment to recharge yourself for the day. And start the day, and then just see how it goes. There will be a difference. The next day, when you sit down to your dinner, or the breakfast, lunch, or dinner, again, take a moment of silence. Just connect with yourself. Stop the TV, the phone, let it be aside. One moment before you start, be in silence, then start your meal. If you do this, just see, your energy changes at once. In a minute, your energy changes. And the food which you have worked so hard for, you and your family, it is taken in and is assimilated by the body in a different way, which heals you from within. This is the second thing. When you go to work, when you start your work, again, a moment of pause. Actually, before that, when you leave your home also, one moment, gather yourself, ground yourself, then go out for your work. You will see the small disturbances which come in the way will vanish. It will not matter. The next step, once you go into your work, whatever is happening, just be in a moment of silence before you start your work. And every 1 hour, if possible, take one moment tuning into your breath and see where your breath is. If these few things can be taken into life, you will see so many changes happening. You are living in a much more relaxed way. You are doing your work, the same work, in a relaxed way. Same thing, as I told you, once you come back home, if you are sitting with your family, ask everyone. Request. Otherwise, do it yourself. Be in silence for a moment before you take your food. I think silence is the key to hear or to listen the voice of the soul. Yes, yes, absolutely. There's one more thing which people do keep on referring about that point, and that is called observe your breath. And I did not get that point. How can we observe our breath? If I will observe my breath at this moment, then I will not be able to think what is going on in my head and what I need to discuss, or what should be my next question, or what should be my explanation. So I'm living in the present moment because I'm thinking about these things. But if I will observe my breath at the moment, then my whole focus will shift on the observing breath. So what is that? How will you explain that point? I'll tell you what. See, when I told you in the morning, sit for 5 minutes, 10 minutes in stillness, observing your breath, the in-breath and the out-breath. When you start practicing this, this becomes a habit. Then you don't have to observe.
You can tune into your breath in even in the most, what will I say, crowded place, in the marketplace, in the train, in the bus, in a moment. You just tune into your breath and it happens automatically. You know, Harinji, whatever we practice, we become that. This is a practice we have to follow. We have to practice with discipline. If we do that, it becomes a habit, and without even knowing, do we actually think that I have to breathe in, I have to breathe out? It happens automatically, but we don't do it the right way. We are taking in short breaths, not filling up our lungs, our chest, the way it should. So if we take deep, long breaths at different intervals, we are filling, we are sending oxygen to every corner, every part of our body. The cells are oxygenated. A natural flow of oxygenated blood, purifying our blood, happens automatically. These are actually basic things. We have changed it by being in a stressful life that we have built around us. But we have to reverse it now. We have to live a natural way of life now. So that is when we can make this change. We don't even have it. It will happen automatically. I think this has answered my few of my questions, that how can we do these changes, or how can we regularly practice these changes, and how can we include all these aspects in our regular life. I think you have answered that question, which was really important. But I feel that these changes can make a lot of difference to our lives, but everyone may not be ready to practice these. Yes, that is a very important question. Not everybody may be ready for it, but sometimes you have to be the change. You cannot force anybody to do anything, but if you are the change will gradually, automatically, if your children see you doing this, they will follow. At one point in time, they will think, what is this? Will I, let me also try. And I've seen this happen so many with my kids. I've seen that once when they never thought it made any sense, now I see them practicing this. So it happens. It happens when you become the change. You are an example. So we are not enforcing on others. That's what Lord Krishna has said in the 18th chapter of Bhagavad Gita, Yat Ichchasi Tat Kuru. I have given you all the information. I have given you all the knowledge. Now it's up to you, Arjuna, which pathway you want to follow. I will not force on you which particular pathway you have to choose. So I think this is how Lord Krishna has enabled Arjuna to become a perfect warrior in that particular battlefield. I know your roots are from Bengal. When we talk about Bengal, the first thing which comes to our mind is Bhadralok. And people, those who are ardent reader, those who are interested in music, those who are interested in art. My session will be incomplete if we will not talk about famous writers, especially your favorite writers. Can you please tell me briefly, quickly about your favorite writers, those who are from Bengal? Although I grew up, I studied in a convent, I always had a deep, there was a pulling for me to read literature, the literature from rural Bengal, the Bengal of origin. So I grew up reading a lot of books, Bankim Chandra Chattopadhyay, Sharad Chandra Chattopadhyay, and Vibhutibhushan Bandhopadhyay, who wrote Pathir Pachali, and they all wrote about rural Bengal, which had so much beauty, still has, and it fascinated me. These books are actual gems, and of course, Rabindranath Tagore is a part and parcel of Bengal for every Bengali. Yes. And I think the whole world, when Bengali writers, there was this era when Bengali writers were on the topmost list in not only in India, in the whole world. And still, we can see there are a lot of good Bengali writers, those who are
around us and those who are still producing quality work, and they are generating stuff which will be useful for the future generations. Before we finish, quickly, I just want to know your comment about your favorite book, Practicing the Power of Present Moment. Yes, as I said, this actually changed me. When I read this book, I realized living in the present moment is all that we can do and manifest our life. It's a wonderful book to ground yourself. And there are simple techniques in it also. When you from within and connect with the self. See, our mind is something, our body is something, but there is something beyond that, as you have rightly said, is the awareness. And to reach that awareness, meditation is required. Silence, being in silence. So this power of now teaches us, gives us that essence, which has made a huge difference to me in my life. Thank you, Paulaji. I think there are a lot of things which I think maybe as a seeker or maybe as a layman, I really want to ask you, and maybe all those people who are in audience at the moment, they also want to ask you. We have very limited time, but I know. हताशाओं के जंजावत में उत्तरदायी कोई नहीं होता, एक छोटी लॉ के प्रकाश से भी जगी रह सकती है इच्छाएं. एक छोटी जो लॉ है, इतने बड़ी जंजावतों में यदि वो भी जिंदा है तो वो हमें हमेशा एक रास्ता दिखाती है. जहाँ सुख है वहीं हम चटक कर टूट जाते हैं बारंबार. नॉर्मली जहाँ सुख होता वहाँ लोग जल्दी टूट जाते हैं. जहाँ दुख है वहाँ पर सुलगन पिघला कर हमें फिर जोड़ देती है. मतलब जहाँ दुख होता है वहाँ वो हमें पिघला के वापस जोड़ देती है, वो हमें टूटने नहीं देती. तो दुख आदमी की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है. और जो अभी एक दुख भरा फेज जो पेंडेमिक चल रहा है, ये शायद हम सबको वापस टूटने के बाद भी वापस जोड़ रहा है. ये अज्ञेय की बहुत फेमस कविता है और अज्ञेय ने बहुत बेहतरीन तरीके से इसे लिखा कि हमें इस वापस ये पिघला कर कैसे जोड़ रही है. इसके अलावा जो सांसों की, जो आपने बताया कि हमें हमेशा अपने सांसों को देखते रहना चाहिए, कब सांस निकल जाए हमें नहीं पता, बट मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब तक सांस है तब तक आस है, और ये आस बनी रहनी चाहिए न सिर्फ हमारे खुद के लिए, हमारे भविष्य की पीढ़ियों के लिए, उन सारे लोगों के लिए जो हमें एक बेहतरीन ज़िंदगी जीने की अपेक्षा रखते हैं और चाहते हैं कि दुनिया को हम थोड़ा सा बेहतर बनाकर जाएं, ऐसी उनकी आशाएं और अपेक्षाएं हैं. आज का ये कार्यक्रम बहुत बेहतरीन रहा, पर ये चर्चा अभी भी अधूरी है. ये चर्चा शायद एक यात्रा की तरह है, और हो सकता है कि अगले हम किसी एपिसोड में मिलें. इसलिए मैं पॉलाजी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और सारे दर्शकों को भी थैंक यू कहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम को आपने देखा और कोशिश की कि हम अपनी सांसों को इस पैंडेमिक में हम एक नई क्या चीज़ सीख सकते हैं जो जीवन भर ज़िंदगी भर हमारे साथ चल सकती है. हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ नेक्स्ट थर्सडे 7 o'clock 711 स्काई पर, MA TV पर, थीम स्पीक्स पर. तब तक आप सभी से इजाजत चाहूंगा. धन्यवाद.